चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास इतना है, चार्ज इतना है, हुज काइनेटिक एनर्जी इज 7.2 × 10⁻¹⁸ जूल, इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 9×10⁻¹⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखा जाए, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ये होता है 2mk या 2km डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये होता है। तो क्या क्या दिया है, मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो पुट कर देते हैं, 2 × मास 9 × 10⁻³⁻¹ काइनेटिक एनर्जी 7.2 × 10⁻¹⁸, ये अंडर रूट में होगा, डिवाइडेड बाई चार्ज इलेक्ट्रॉन को 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 9 × 10⁻¹⁵। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 7.2 और 2 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 14.4 × ये 9 है × 10⁻³⁻¹⁸ −49, ये अंडर रूट में होगा, डिवाइडेड बाई 1.6 × 9 × ये 10⁻¹⁹ है, ये −4, तो 10⁻²⁴ होगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लें इसको, अगर ये 9 है बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, 14.4 है, अगर मैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं अंडर रूट के अंदर 10 से, तो ये 10⁻ डिवाइड करेंगे 10⁻¹⁵ हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 144 अगर अंडर रूट में उसकी वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, तो ये 12 हो गया बाहर इंटू 10⁻¹⁵ ये हो जाएगा डिवाइड करने से 10 से, तो 10⁻¹⁵ अंडर रूट में 10⁻¹⁵ कितना होगा, बाहर आएगा रूट के 10⁻²⁵ हो जाएगा, चलो 10⁻²⁵ डिवाइडेड बाई ये तीनों रूट के बाहर आ गए, 1.6 × 9 × 10⁻²⁴, ये 3 से 3 टाइम गया, ये 3 से ये 4 गया, 4 बाई अच्छा ये कितना होगा 10⁻¹⁰, 4 बाई 16 ये आएगा 1/4, 0.25 मीटर, रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है 0.25 मीटर, या कहो तो 25 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही है, 25 सेंटीमीटर, डी वाला ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।